दिया एक सप्ताह का 2 लाख तो मेरा ये काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं 12 पास और जो इंसान खड़ा होके वो 0 पास। सोचो, तो मुझे लगने लगा बस मैं जाते ही इसको ले लूंगा, जाते किसी पूछूंगा ना, जब मैं 12 पास हूँ, एक 72 साल का लेडीज जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगा। इसे उमंग खड़ा होता है कि नहीं होता, होता है। बस वहां से मैं सोचा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ये नौकरी चाहिए मुझे। मैं वहां से संकल्प लिया और आया और इसमें आया, और आज मैं ठोक के बता सकता हूँ जिस गुरु ने मुझे इस बिजनेस में लाया, मैं उसका नाम देना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा उसका स्वागत कीजिएगा। उस गुरु का नाम है वीरेंद्र सर। मैं चाहूंगा वीरेंद्र सर के लिए आज उन्हीं के बदौलत से मैं यहाँ आप लोग के साथ खड़ा होकर 2-4 बातें बोल रहा हूँ। उन्हीं का बदौलत से मैं साइकिल से स्टार्ट किया था, पैदल स्टार्ट किया, फिर 4-व्हीलर 2-व्हीलर आया। आज मैं आप लोग के साथ 4-व्हीलर है कि नहीं है, इन्हीं के बदौलत मुझे इसका बहुत जरूरत था। मैं इसको 1-1 रुपया का हिसाब रखने के बाद मुझे लगने लगा अगर मैं यहाँ काम कर लेता हूँ, 0 बैलेंस से कुछ भी हो सकता है। आज मेरे पास 4-व्हीलर है कि नहीं है, खड़ा किया। ये मुझे मेरा सपना था एक कि मुझे ये चाहिए, और मेरे पास उतना पैसा नहीं था जो मैं खरीद सकूं, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत ही हुआ। तो चले, अभी यहाँ तो सब कोई खेती बाड़ी वाला है कि नहीं है, क्या यहाँ कोई नौकरी करता है? नौकरी कोई नहीं, चलो कोई, मैं आप लोग को करते हैं बगान वाला नौकरी, बगान वाला नौकरी करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ हर कोई खेती बाड़ी वाला है, और कोई मिस्त्री करते हैं, कोई मजदूरी करते कि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी आए हैं उसका उम्र भी किसी का 20-25-30-35-40-50-60 तक है कि नहीं है। हर इंसान हर कुछ ना कुछ सपना देखते हैं, और कुछ ना कुछ करने के लिए उसको बहुत बड़ा पूंजी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बहुत बड़ा पूंजी चाहिए। लेकिन हमारे पास पूंजी भी नहीं है, और हम उस काम को कर भी नहीं सकेंगे। सकेंगे क्या? नहीं सकेंगे। तो मैं आप लोग को इस बिजनेस का एक साल 2022 चल रहा है 2022, और आज पहला साल पहला महीना है, आज 16 तारीख है। अगर आज से लेकर 2022 एंडिंग दिसंबर तक हम काम कर लेते हैं तो आप लोग इस बिजनेस में कितना कमाऊंगे, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? Yes, yes. बस 1 साल 12 महीने अगर काम कर लेंगे सिस्टम से, ईमानदार से, तो अब यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, क्या जानना चाहेंगे? Yes. Yes. जानना चाहेंगे? Yes. Yes. तो यहाँ अभी हम आपको, यह नया व्यक्ति से सवाल होगा, घबराइएगा मत, नया सिर्फ व्यक्ति से सवाल होगा, और वहाँ खड़ा होकर बोलिएगा, आज उसका रीजन क्लियर हो जाएगा, और मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे फ्यूचर के लिए क्या करना, सब समझ में आ जाएगा। Yes, no? Yes, sir. मान के चलिए मैं पहला साल ज्वाइनिंग कर लिया, और इसमें बिजनेस में कोई 2 भी आएगा 3 भी आएगा 4 भी आएगा 5 भी आएगा 6 भी आएगा 7 भी आएगा, और मुझे बिजनेस पार्टनर 2 करना है, कितना दिन में बना लेंगे? 2 ही बिजनेस पार्टनर करना है हमको, तो यहाँ 2 ही बता रहा है ना? Yes, sir. 2 ही बिजनेस पार्टनर बनाना है। मैं 1 साल का आपका पावर दिखा रहा हूँ बिजनेस का, 2 ही बिजनेस पार्टनर करना है, कितना दिन बना लो? कोई नया व्यक्ति खड़ा होकर बोलिए। चार खड़ा हो जाइए आप। आपका शुभ नाम? तिरुमन। तिरुमन महतो, चलो एक मत बैठो, 4 दिन इसका कोई बिजनेस पार्टनर बन जाओ इसके साथ। ये 4 दिन का समय लिया, और कोई 2 बिजनेस पार्टनर बनाना है, 4 दिन का समाज इसका कोई साथी बन जाओ, कोई खड़ा हो जाओ नया व्यक्ति। थैंक यू। आपका शुभ नाम? भुरिंद्रनाथ सिंह। कितना दिन में बना लोगे? सप्ताह, एक हफ्ता, मैंने कहा 7 दिन में। थैंक यू, मैं चाहूंगा दोनों के लिए जोरदार ताली। मैं आप लोग को दोनों का इसलिए खड़ा किए, उम्र में भी ज्यादा कम है कि नहीं आप लोग है? किसी का 20 तो किसी का 25। यस या नो? यस। और यहाँ आप लोग को दोनों खड़ा करने का रीजन भी है, किसी का ज्यादा नॉलेज चल रहा है, किसी का कम नॉलेज। यस या नो? यस। दोनों का पूरा अलग अलग सोच चल रहा है, कोई बता रहा है कि मैं 4 दिन में बना लूंगा, कोई बोला कि मैं 7 दिन में। यस या नो? यस। तो जो 7 दिन बोला उसके तरफ से वो 7 दिन, और मेरा मैं आपको टाइम दूंगा 23 दिन, 7 3 10 2 1 3 30 दिन में नहीं बनेगा, 30 दिन मैं आपके लिए समय दे दिया, 23 दिन और आपका 7 7 और 23 30 हुआ,
क्या 30 दिन में दो बीज पटा नहीं बने क्या? बनेगा 100% बनेगा ना? उम्मीद लग रहा है ना आप लोग को? यस सर। आप देखिए, आप दो बिजनेस पार्टनर बना दिए, आपका काम खत्म। बिजनेस तो दो ही बिजनेस पार्टनर मांग रहा है ना, ज्यादा तो नहीं मांग रहा है। अभी क्या दूसरा महीना नहीं आएगा क्या? आएगा। अभी जनवरी चल रहा है तो फरवरी तो आना ही आना है, नहीं आएगा क्या? आएगा। अभी आपका दो बिजनेस पार्टनर बना, आप उसको हैंडलिंग करोगे, मैं उसका साथ, आप भी उसके साथ। अरे भी बोल रहा है कि भाई साहब मेरा सीनियर के लिए आप एक महीना का समय दिए थे तो हमको भी एक महीना का समय चाहिए, वो भी आपसे ले रहा है, नहीं दीजिएगा क्या? देंगे। तो ये भी दो दो करेगा तो आपको दूसरा महीना में चार हुआ, इस तरह तीसरा महीना नहीं आएगा, तीसरा महीना भी आएगा और चार व्यक्ति आपको बोला सर मुझे भी चार आदमी को एक महीने का समय चाहिए, होगा ही होगा, होगा। देना पड़ेगा तो आपका आठ हुआ। इस तरह से करते करते चौथा महीना में आपका 16 हुआ, पांचवा महीना में आपका 32 हुआ, छठा महीना में आपको 64 हुआ, सातवा महीना में 128 हुआ, आठवां महीना में आपको 256 हुआ, नौ महीना में आपको 512 हुआ, दस महीना में 1024 हुआ, ग्यारह महीना में 2048 हुआ, बारह महीना में 4096। आप एक साल काम कर लिए, हम सबको मिलके एक साल काम किए। बारह महीना मतलब एक साल हुआ कि नहीं हुआ? दिसंबर एंडिंग तक चले गए हम लोग और एक दूसरे को हम लोग गाइडलाइन दिए, एक दूसरे को हम लोग साथ मिलके काम किए। दो का रिशियो से आपका काम शुरू हुआ था, दो जन शुरू किया और दो दो बिजनेस पार्टनर लाया पूरा बारह महीना में, तो आपको 4096 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 4096। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको पूरा कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका टीम हो गया 8190 का टीम। क्या आपसे अकेले होता क्या? नहीं होगा, अकेले कहीं भी नहीं होगा। अगर हम टीम का माध्यम से करेंगे तो कहीं बड़ा हो सकता है, अगर अकेले करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको क्या करते हैं, 190 को हटा देंगे, हिसाब करने में अच्छा रहेगा। यहाँ लिखेंगे 8000 और गीता में हम बता रहा था कि लेफ्ट में 4000, राइट में भी आपका 4000 और इसी 4000 को हम 1000 से गुना, हमको जुड़ा में 1000 रुपए बता रहा था, ऐसे या नो? Yes. अब इसको कर देंगे हम यहाँ से गुना, तो आपका पहला साल का इनकम निकल के आ गया 40 लाख रुपया। सोचो किसी को यकीन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 40 लाख एक साल में कमा लिए, किसी को यकीन नहीं होगा। हमको जब नहीं हुआ तो आपको कैसे होगा? 40 लाख क्यों नहीं हो रहा है? मेरा पिताजी का पिताजी भी दादू भी नहीं कमाया, कमाया क्या? नहीं कमाया। इसलिए यहाँ समाज में किसी को आता नहीं 40 लाख। अगर 40 लाख आएगा तो क्या जो आप सपना देख रहे तो पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या अच्छा घर नहीं होगा? होगा। बाइक नहीं होगा? होगा सर। फोर व्हीलर नहीं होगा? होगा। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं लगता है, हमको भी नहीं लगा। लेकिन यहाँ 40 लाख क्यों कमाए? यहाँ 100 में 100% काम हुआ, ऐसे या नो? Yes, 100 में 100। और कहीं भी हम काम करते हैं 100 में 100 सक्सेस होता है क्या? नहीं होता है। इसका आधा कितना? 100 का 50% काम करेंगे। जब 50% काम करेंगे तो यहाँ आप आ गए 20 लाख रुपया में। अब यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 20 लाख जब आए, महीना में 2 था, अब महीना में 1 हो गया। क्या जी महीना में 1 जूनिंग नहीं कर पाओगे? 1 करना है बस, 1 करोगे तो 20 लाख में पहुंच जाओगे। जब आपको 100% काम हुआ था तो यहाँ पूंजी लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे, क्योंकि हम तो एक बार ले लिए पैसा, तो दीदी हमको दे दिया। जीरो से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कुछ डूब रहा है क्या? नहीं। कुछ नुकसान हो रहा है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा है, रिस्क हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अभी हम 50% काम किए तो महीना में 2 था 40 लाख, अब महीना में 1 हो गया 50%, तो एक आदमी को लाना पड़ेगा, तो अब 20 लाख रुपया कमा लिए। सोचो बिना पूंजी के इतना पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो इतना भी भरोसा नहीं है आप लोग को और हमको भी नहीं होता, इसका आधा कितना होता है? 25% चलो काम करते हैं। जब 25% काम करेंगे तो मैं थोड़ा आप लोग उदाहरण बता रहा हूँ। हम लोग का बेटा बेटी स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहे हैं। एक बेटा का अगर बेटी का एग्जाम चल रहा है 100 का पेपर, तो बेटा बेटी को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30 से 35 नंबर चाहिए। अगर बेटा बेटी 30 से 35 नंबर नहीं लगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। अब इस बीच में पास हो गए 10 लाख। अब यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। 10 लाख तक पहुंच गए तो क्या पूंजी लगा क्या? नहीं लगा। देखिए अब 10 लाख
25% काम किए तो आपको 10 लाख पहुंच गए। यहाँ आपको महीना में 2 था, महीना में 1 था, अभी यहाँ 1 महीना में 2 नहीं हो पाएगा क्या? हो पाएगा। 25% आए तो 2 महीना में 2 हो गया, सोचो आप। चलो इतना भी हम कामयाब नहीं, इसका आधा कितना होता है? 12.5। 12.5 में 2.5 छोड़ दीजिए, आप 10% काम कीजिए। अगर आप 10% भी काम कर लोगे सेफ शॉप में तो आप इनकम कर लोगे 4 लाख। अभी किन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। 4 लाख में यहाँ जितना भी बैठे हैं आप लोग बताइए, इतना दिन से काम कर आप लोग का बैंक में 4 से 5 लाख रुपया है क्या? नहीं है। नहीं है। और इसमें आप क्या काम किए? हम एक दूसरे बातें ना किए, हम बात किए बस, उसको अच्छा लगा आया, हम मिलके काम किया आपका बैंक में 4 लाख। 4 लाख आएगा तो क्या आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। क्या 4 लाख आएगा तो आपका घर में स्कूटी नहीं होगा? होगा। 4 लाख आएगा तो छोटा मोटा घर नहीं बनेगा? बनेगा, बन जाएगा। लेकिन 4 लाख जब आदमी को बोलेगा तो बोलता है कि अरे जोड़ने वाला काम है, क्या हो सकता है? आप सब कुछ सुन लीजिए, 4 लाख रुपया 10% काम किए और 4 लाख तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इतना नहीं था। था क्या? नहीं था। नहीं था, हम 0 से स्टार्ट किए, धीरे धीरे बूंद भरते गया और मैं वहां तक पहुंच गया। अब 4 लाख को क्या करते हैं, 12 में भाग कर देते हैं तो आपका मंथली का हिसाब निकल जाएगा, आपका 35,000 रुपया तनख्वाह होगा। और इस 35,000 के लिए ना जाने लोग कितना डिग्री डिग्लोमा में करके अभी किसी का नौकर खट रहा है कि नहीं खट रहा है? खट रहा है, खट रहा है ना। yes, yes. 35,000 के लिए लोग किसी का मजदूरी कर रहा है, गमछा पहन के किसी का कुदल चला रहा है और पढ़ाई उड़ा अपना खर्च करके अभी भी घूम रहा है रोड में, घूम रहा है कि नहीं घूम? yes, रहा है। हम हाय नसीब वाले 0 से काम के यहाँ तक क्रॉस कर दिए, सोचो। और आज एक बेटा को पढ़ाते शुरू से लेकर आखिरी तक अगर हम बीटेक करा देंगे तो एक घर से पैसा कम से कम 12 लाख रुपया निकलता है। निकलता कि नहीं निकलता? निकलता है। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन उस बच्चे को जो हम बताते हैं भाई साहब यहाँ आ जाओ थोड़ा बिजनेस को देखो तो बोलता है कंपनी है। क्या हम बिना कंपनी के हैं क्या? नहीं। हम इस घर में बैठे हैं बिना कंपनी के हैं क्या? नहीं। ग्रिल लगा हुआ कंपनी का बताओ, सबको आप सोचो आप लोग। और 40-45 के लिए हम लोग कितना डिग्री डिग्लोमा में खर्च करके नौकरी ढूंढते हैं। अगर 2 आदमी का नौकरी होगा तो 1,000 आदमी अप्लाई करेगा, करता ही नहीं करता? yes, वहाँ भी कब नौकरी होगा? जब आपके पास जेक और चेक होगा तब नौकरी होगा। डिग्री पास कर लीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो नौकरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो हो सकता है क्या? yeah, नहीं होगा। बिना पैसे से नौकरी कभी नहीं होगा। जितना भी टैलेंट है आपको पैसे चाहिए चाहिए। तो एक लड़का 12th क्लास तक पढ़ा, उसके पूरा एकदम खर्चा निकाल गया, 12 लाख रुपए उसने खर्चा किया उसके पिताजी। जब उसको हम लोग किसी को समझाते हैं भाई साहब यहाँ आइए और अच्छा खासा हम लोग मिल के पैसा कमाए तो बोलता है कंपनी वाला है। लोग कंपनी बात सुन के पूरा उसका माइंड में सेटअप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप ही लोग बोले, हर आप लोग यहाँ घर से आए हैं, आप लोग का घर में बैग उग है कि नहीं है? आए, है, है। क्या बैग हम लोग का पिताजी बनाया क्या? नहीं। क्या बैग को खरीदने के लिए हम लोग 80-90 हज़ार रुपए दिए कि नहीं दिए? दिए। वो कंपनी है कि नहीं है? है। उसमें हम 50,000 रुपया लगाते हैं, 1 लाख रुपया लगाते हैं तब मोटरसाइकिल आता है। लेकिन हम यहाँ अपना फ्यूचर को बनाने के लिए 15-20 हज़ार रुपए नहीं लगा सकते क्या? आप सोचो, आप लोग सोचो। अगर ये सोच लीजिए ना तो हर इंसान का जिंदगी बदल जाएगा, हर इंसान। लेकिन सोच, लोग बोलता है कि अरे कंपनी वो प्रचार कर रहा है कंपनी। हाँ, मैं कंपनी इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर भी कंपनी, टीना तो कंपनी का है ना? yes, sir. मेरे घर भी बना है कंपनी का, मेरा ग्रिल भी है कंपनी का, सीमेंट भी है कंपनी का, है कि नहीं है? yes, sir, yes, sir. लेकिन लोग समझता नहीं और बोलता है कि कंपनी में देखने गया था, इस तरह सोच। अब आज से जो यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग, कभी मत सोचना कि मैं कंपनी में ज्वाइन नहीं करूंगा। कंपनी में ज्वाइन करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 3-4 साल का फ्यूचर बदल जाएगा। क्या आप लोग के पास 5-6 लाख 10 लाख रुपया है क्या बड़ा बिजनेस करोगे? नहीं है। नहीं है। क्या हम 10 लाख रुपया लगाएंगे वहाँ, क्या हमको वहाँ रिस्क लेना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। वहाँ 10 लाख जब पूंजी लगाओगे तो सबसे पहले आपको दुकान खोलना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उस दुकान में आपको सामान डालना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अगर दुकान आपका जल गया तो गया, और मेरा बिजनेस में कुछ जलेगा क्या? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा भाई। मैं तो यहाँ सिर्फ लिया, एक बार दिया, हमको दे दिया, मेरा तो एक भी पैसा नहीं लगा। और इस बिजनेस में मुझे घर भी नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए सामान रखने के लिए। बस ऑर्डर किए, घर पहुंच गया, बस बिजनेस शुरू हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। सोचो यार,
लेकिन लोग बोलते हैं कि हम कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, मम्मी मना कर रहा है, पापा मना कर रहा है, लेकिन आपको हकीकत बताओ जिस बिजनेस में जिम आया ना, मैं जो कोई मुझे मना नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर मुझे बनाना था, यस या नो? यस यस। मुझे परिवार चलाना है, मुझे आगे जाना है, डिसीजन मैंने ले लिया। आज मैं 30,000 का पेट्रोल जलाता हूँ, सोचो नौकरी वाला 30,000 का पेट्रोल जलाएगा ना, उसका मम्मी बेटा भी भूखा रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा, भूखा रहेगा यार। और मैं 24 घंटा गाड़ी में घूमता हूँ, 30,000 का पेट्रोल, सोचो 30,000 होने से मेरा परिवार चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा यार, आराम से चलेगा। लेकिन लोग इसको सोचता नहीं है। मैं बताने जाता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे वो कंपनी वाला है, टाई पहना, संभल के चलना। मैं उसको उठाने गया था लेकिन वो मेरे बारे में नेगेटिव बोल दिया। लेकिन उसको मैं आगे ले जाने वाले थे, लेकिन वो दूसरों का बात सुन के वो नेगेटिव हुआ। अपना डिसीजन को किसी के हाथ में सौंपा कि नहीं सौंपा? मैं लड़का हूँ या तो लेडीज है या तो जेंट्स है, इस बिजनेस में सब कुछ सफल हो सकता है, बस आपको इस बिजनेस से बाहर नहीं जाना है और किसी को आपको गलत डिसीजन देना नहीं है, नहीं देना है। तो आपको ये रहा 1 साल का, अगर सही से मेहनत कर दोगे, आप अकेले टीम मिला कर दोगे तो आपका 100% 35,000 रुपया मंथली में आ जाओगे। कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं। आज मैं किसी का बॉस नहीं हूँ, मेरा कोई ऊपर नहीं है। अजीत तुम इधर आ जाओ, इस काम को करो, बोले सकेगा क्या? नहीं सकेगा। जब महारात हुआ गया 12 बजे, इसी चालू, ठंडा लग रहा है तो गर्मी कर दो, गर्मी लग रहा है तो ठंडा इसी चालू कर दो, ये मेरे में ताकत नहीं था, इस सिस्टम से आके ही मेरा ये सब हुआ। बस लेकिन आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई अगर आपको गलत बोल रहा है, अरे निर्मल उठना तू जय नेगेटिव उठना तू फंसाते है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? वो तो जाना मत, तो टाइम वाला था, इतना उसे संभाल के चलना। बस निर्मल क्या सोचा, ये सही बोल रहा है, लेकिन आप लोग जो इसे बोल रहा है ना, उसको बैंक अकाउंट को चेक करना। अगर उसके पास 15-20 लाख रुपए है ना, तो उसका डिसीजन मानना। अगर बैंक जीरो है तो महाबिकू भाई हो, महाबिकू भाई हो, उसका कुछ कुछ है नहीं और आपको सजेशन दे रहा है। अगर उसका उतना ही होता तो बिल्डिंग का पहले से घर होता, होता कि नहीं होता? लेकिन ज्यादातर आदमी ही करता है, अरे वो तो ठीक बोल रहा है यार, मैं फंसने जा रहा हूँ, लेकिन उसको झांक के देखे उसका परिवार में क्या हालत चल रहा है कि नहीं? तो अपना डिसीजन किसी के ऊपर सौंपना मत। बस आप करोड़पति आप लोग हैं, जब तक हम जिंदा हैं तो मुझे कोई खरीद नहीं सकेगा, सकेगा क्या? नहीं, नहीं सकेगा। मैं सोना हूँ, मुझे लेकिन पहचाना पड़ेगा अपने आप को, मैं क्या कर सकता हूँ। जिस दिन आप लोग अपने आप को समझ लोगे, मैं जब बचा हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो भगवान भी बैल को बैल बनाया, क्या हमको नहीं बना सकता था? क्या बना सकता था? 100 में से 99% हम लोग 100 में हमको मानव इंसान बना के भेजा, और उन्होंने को तो बना सकता था बैल को इंसान, क्यों उसको बनाया? मैं आप उनसे सवाल करना चाहूंगा, बैल जो बकरी कुरी है और हम लोग आदमी है, आदमी और बकरी या तो बैल में क्या फर्क है कि उसको डिस्टेंस कर दिया हम लोग का बीच में? चार पैर है, चलो हम लोग का 2 पैर है। और कोई जानवर और हमको अलग क्यों किया भगवान? कोई तो कारण होगा। जानवर में बोली नहीं है, बोली नहीं है क्या? वो आपस में बात नहीं करता है? करता है, करता है, सोचने का क्षमता सर, वेरी गुड, जोर देता है इसके लिए। हम बोलते हैं वो बोले नहीं सकता, वो तो बैल टू बैल तो बात कर रहा है ना, पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है, घास खा रहा है कि नहीं खा रहा है, सब अपने हिसाब से कर रहा है वो, और हम भी सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बोले आप? सोचने का क्षमता, वो सोच नहीं सकता। मैं इसलिए उसको वो सोच इसलिए नहीं सकता, उधर अगर आप पूरा पानी में अगर ड्रग्स दे दोगे तो पी जाएगा, पिएगा नहीं पिएगा? उसके सोचने का कमजोरी है, सोच नहीं सकता, इसलिए उसको भगवान बैल बना दिया और हमको इंसान। जब हमको इंसान बना के भेजा तो मुझे धरती में आके कुछ बड़ा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं तो भगवान भी बोला तुमको अगर हम बैल में सही होते आप तुमको मानुष भेज के मैं बुड़बक बन गया है कि नहीं? इसलिए आपको उससे अलग रहना है तो आपको बड़ा काम करना है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ किसी का 50 उम्र भी है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस बिजनेस को 4 साल कर लीजिए, 4 साल। अभी 2022 भी आएगा, 24 भी आएगा, 25 भी नहीं आएगा क्या? आएगा। आज से शुरू कर दीजिए, 4 साल हम लोग मिल के काम, उसका फ्यूचर बदल जाएगा, फ्यूचर। और जो इंसान यहाँ बोला कि सर मैं 4 दिन में बना दूंगा, और कोई बोला 7 दिन में बना दूंगा, इस जगह का अगर वो आज से 2025 तक आएगा ना,
100% लिख के देखो उसका स्टाम्प पेपर में, वो गाड़ी में बैठ जाएगा जीरो बैलेंस से। एक बार जोर देता लिया उसके लिए। अब मैं उन लोग को बुलाऊंगा, हमको बताया जा रहा था कि यहाँ हफ्ता टू हफ्ता पैसा मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है? Yes, yes. हमको महीना के इंतजार नहीं करना पड़ता यार इस बिजनेस में, महीना के इंतजार करना नहीं पड़ता, इसमें हमको हफ्ते में पैसा मिले। क्या वो लोग सब मिलना चाहते हैं? Yes. तो मैं चाहूंगा जो भी जल्दी है यहाँ आइए और अपना टेस्ट मनी बताइए। नमस्कार वॉरियर्स, मेरा नाम भीमन और मैं मारुति बगल से बिलीव करता हूँ और मारुति बगल सर्विस स्टाफ के लेवल में काम करता हूँ और पार्ट टाइम में स्टेप शो बिजनेस करते हैं। इस सप्ताह का अच्छा एक 2600 जोड़ा था इसके लिए। नमस्कार वॉरियर्स, नाम हुआ रंजन, मैं चक्कर में इस बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस काम को पार्ट टाइम करते हुए इस समय इस सप्ताह का चेक है 3000 रुपया जोड़ा था। नमस्कार वॉरियर्स, मेरा नाम राजेश उराव, मैं मारुति से बिलोंग करता हूँ, मेरे सप्ताह का चेक है 2500 जोड़ा था। नमस्कार, नमस्कार। मैं सुनीता है, मैं बेसिकली डब्ल्यू से बिलोंग करती हूँ और मेरे इस सप्ताह का चेक है 5000 जोड़ा था। नमस्कार वॉरियर्स, नमस्कार। मेरा नाम है ललिता देवी, मैं पटिया से बिलोंग करती हूँ और ये सप्ताह का चेक है मेरा 590 रुपये जोड़ा था। नमस्कार वॉरियर्स, नमस्कार। मेरा नाम है राजराम, मैं बिलोंग करता हूँ सोनापुर से, इस सप्ताह का मेरा चेक है 2000 रुपये का जोड़ा था। नमस्कार वॉरियर्स, मेरा नाम है मोनिका पाठक, मैं नक्सलवाड़ी से बिलोंग करती हूँ, इस सप्ताह का चेक है मेरा 2000 रुपये जोड़ा था। नमस्कार वॉरियर्स, नमस्कार। नाम है गीता उरा, बेसिकली मैं तारावाड़ी से बिलोंग करती हूँ और ये सप्ताह का जो चेक है मेरा 8800 रुपये का जोड़ा था। नमस्कार वॉरियर्स, नमस्कार। नाम हुआ मेरा धाकुर कुमार सिंह, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, इस काम को पार्ट टाइम के हिसाब से करते हुए इस हफ्ता का जो मेरा चेक है वो है 3000। थैंक यू, मैं चाहूंगा जितना भी यहाँ आदमी आता है उन लोगों के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। आप अगर चाहोगे आज मुझे आज शुरू कीजिए और एक सप्ताह, आज संडे हो गया, अगले संडे तक आप यहाँ 25000-50000 भी एक सप्ताह में कमा सकते हैं, लेकिन अपना नॉलेज से नहीं, इसका नॉलेज, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, इसका नॉलेज। और आज सब कुछ तो इनकम अपना बता दिया, ये लोग को मैं ही ज्वाइन किया था, हम बोला मैडम आइए करो साथ मिलके काम करेंगे, जिसको अच्छा लगा वेलकम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? Yes। अरे दो आदमी तो मैं एक सप्ताह में नहीं, एक महीने में तो हो ही जाएगा, ऐसे तो बोला और आ गया। आज देखिए 8000, कोई 7000, कोई 5000, कोई 25000 में पहुंच गया और मुझे भगवान भी देख रहा है, मैं किसी घर में रोजगार दे रहा हूँ, दे रहा है भगवान ने मुझे, बहुत दिन तक जिएगा और मैं जीऊंगा, आप लोग को बता रहा हूँ 100 साल जीऊंगा मैं, इसलिए मैं भलाई कर रहा हूँ ना आदमी को, मैं मानी मानी नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब आप 10000 रुपये दीजिए, वहाँ रखिए, मैं 10 साल में डबल कर दूंगा। वो कंपनी तो गया, गया कि नहीं गया? गया। बस इसमें आपको जरूरत के हिसाब से एक बार लाइफ में एक बार लीजिए, अपना अगर परिवार है तो उसको साड़ी पहना दीजिए और आप सूट पैंट पहना दीजिए, हम अच्छा ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम स्टैंडर्ड बन रहे हैं, उसको स्टैंडर्ड करवा रहे हैं, बस यही करना है। ऐसे करते करते आज मेरा 6000 का टीम हो गया, एक एक घंटा करेगा तो 6000 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? Yes, हुआ। मैं अपने आप को बॉस कहलाता हूँ क्योंकि मेरा कोई रोक टेक नहीं है, क्या नहीं है? तो चलिए, और मेरा तनख्वाह कौन सुनेगा? मेरा सब सब सुनेंगे ना। आज इस सप्ताह का मेरा ज्यादा तनख्वाह नहीं है, मेरा सोलो मैं काम किया, इस सप्ताह का मेरा 4600 है, 4600 है। अभी आपको लगता होगा 4600 है और हुआ तो क्यों हो 600, यही तो बात है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कितना आईडी में, कि मैं हूँ, मेरा पिताजी, मेरा माँ, मेरा घर वाले लोग काम नहीं करते, तो एक सप्ताह में मेरा 4600, एक महीना में मैं कितना होगा और 4 आईडी में कितना होगा, तो टोटल आईडी से मेरा इस सप्ताह की इनकम 73600। मैं ज्यादा आईडी से करता हूँ ना, 4 आईडी लगाया हूँ, मैं हूँ, मेरा पिताजी, मेरा माँ, मेरा घर वाली, मेरा एक सप्ताह की इनकम 73600 और लोग कमाता है महीना में 50000, कमाता है कि नहीं कमाता? कमाता है। इस बिजनेस में माला लगाया था 55000, इस बिजनेस में 55000 लगाया मैं, मेरा बीवी के लिए साड़ी, मेरा पिताजी के लिए सूट, मेरा मम्मी के लिए साड़ी और मैं सूट और मेरा बीवी के लिए साड़ी, 55000 का सामान ले लिया,
73,000 में आ गया। हमको तो सामान दे दिया जितना हम पैसा दिए थे। आज मैं पहना हूँ, मेरे साथ फोर व्हीलर भी है, वो जीरो से आया कि नहीं आया? हम पैसा लगाए क्या? एक भी घर से पैसा नहीं लगा। इस बिजनेस में दम है, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। बस विश्वास करना पड़ेगा कि मैं किस इंडस्ट्री में हूँ। कोई भी कुछ बोलेगा उसको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? वो आपका तबियत को ठीक करेगा क्या? नहीं करेगा। आपका घर में तबियत खराब है तो आपको चलाना पड़ेगा। ऐसे जानो आपका अगर जिंदगी खराब जा रहा है तो बनाना किसको है? खुद को। कोई बना के देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन लोग, अभी मैं एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ, इस ध्यान में लोग ज्यादा काम करता है। देखिए चार कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले से हैं। चार कैटेगरी, पहला नंबर आपका, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। दूसरा नंबर, जब खेती बाड़ी करेंगे यहाँ समय देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, पड़ता है। यहाँ भी हम समय दे रहे हैं 8 घंटा से 10 घंटा, अपना खेती बाड़ी है कि नहीं है? धान लगा के लेके आए, फिर उसको सब कुछ समट के घर में रहे, यहाँ भी हम काम कर रहे हैं, यहाँ समय देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, समय दे रहा है। दूसरा नंबर आपका नौकरी, क्या नौकरी करेंगे तो समय नहीं देना पड़ेगा क्या? वहाँ भी समय देना पड़ेगा। यहाँ 8